एक ही बात रखी है, हौसले हैं। मेरा एक एक वोटर में बहुत हौसला है, वो हौसला कायम रखेंगे। हम अपने वर्कर्स के साथ, एक के साथ हजार गुना खड़े हैं। मेरे किसी वर्कर को मायूस होने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबके साथ खड़े हैं और बखूबी खड़े हैं, बुलंदगी से खड़े हैं। आज के दिन भी कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ काम करने आई हूँ और विकास कराने आई हूँ। हिंदुस्तान नहीं, केवल विश्व के स्तर पर मेवात का नाम लेके जाने जाई हूँ। जो हाथ काट रहे हैं या गला काट रहे हैं वो उनकी मर्जी है, उनकी राजनीति ये कहती होगी, मेरे उसूल ये नहीं कहते। नौशम चौधरी जी, विपक्षी बार बार ये कह रहे हैं कि नौशम चौधरी यहाँ से चली जाएगी, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो पहले भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे। मैं यही हूँ, मेरा अपना इलाका है, कहीं नहीं जाती। अपने इलाके की बेटी हूँ, यहीं रहूँगी, जिसको जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं। अब अभी भी आप देख सकते हैं मेवात की आन बान शान, चौधरी एजाज खान साहब और हाजी अख्तर साहब मेरे साथ हैं। तो हौसला तो इन्हीं बातों से आगे चढ़ता है कि हमने ये जो जंग जारी की है, जंग है, हार और जीत एक पक्ष की बात होती है, सब कुछ सर आँखों पर है। पर हम अपने पूरे वर्कर्स मीटिंग में हमने एक ही बात रखी है कि हौसले किसी के प्रस्त, मेरे तो एक भी वोटर मायूस नहीं है, कोई बात नहीं। इस वर्कर मीटिंग में एक बात निकल कर सामने आई है, जिस तरह से यहाँ कहा गया है कि जो जिसको बीजेपी ने वोट दिया है उसको सम्मान दिया जाए और जिसने वोट नहीं दिया उसे रास्ता दिखाया जाए, फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसा किसी ने नहीं कहा, हमने सामने आया है। हमने तो ये कहा है, जिन्होंने हमें वोट दिया हम उनको मान सम्मान दे रहे हैं और जिन्होंने नहीं दिया उनको भी काम कर रहे हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार बना रही है और साथ में बीजेपी के जो यहाँ से आप प्रत्याशी थे, जनता ने आपको काफी प्यार दिया, इस प्यार के लिए, इस जनता के लिए आपको क्या मिलेगा? पूरा मान सम्मान रखा जाएगा और मैं आज के दिन भी भाजपा पार्टी से केवल और केवल आज के दिन भी एक ही प्रत्याशी के रूप में, चाहे हारी या जीती, मैं ही बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इस बात का मेरे को एक हौसला भी है और इस बात का यकीन भी है कि इंशाल्लाह मेहनत करते रहे तो बहुत आगे जाएंगे। हमेशा मेवात जिले की जनता सत्ता विरोधी रही है, इस बार भी भाजपा की लहर थी, एक भी सीट मेवात की जनता ने नहीं दी है, तो आने वाले चुनाव में किस तरह से देखेंगे? समीकरण है, जिस किस्म से समीकरण बदलेंगे उस किस्म से चुनाव की उथल पुथल भी बदलेगी। और मैं आज के दिन ये बहुत मायने रखती हूँ कि बात चाहे तीनों सीट हार चुके हैं, फिर भी एक मजबूती से उन्होंने अपना सरकार में हिस्सा रखा है और मान सम्मान है, इज्जत, काम भी होंगे, क्योंकि प्रदेश में सरकार इस वक्त भाजपा पार्टी की, काम भी होंगे और लोगों को मान सम्मान भी दिया जाएगा। तो जो चुनावी दौर है वो 5 साल बाद देखेंगे। नौशम जी, जिस तरह विधायक निर्दलीय की जबान देखी गई है चुनाव हारने के बाद, वो बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं, क्या इस तरह के इशारे पार्टी आला कमान की तरफ से उनको मिल रहे हैं या अपनी तरफ से क्या कहेंगे? बीजेपी समर्थन में आ रहे हैं, कहाँ दे रही, कौन सी बीजेपी पार्टी ने समर्थन दिया है? वो तो आ रहे होंगे, अपनी तरफ से आते रहेंगे, बीजेपी पार्टी का हाईकमान का फैसला है। आपने कहीं सुना, किसी अखबार में आया, किसी प्रिंट मीडिया में आया, किसी डिजिटल मीडिया में आया? फिर तो क्या समझा जाए, आवाम क्या समझे? तो कोई बात नहीं, वो तो जो मर्जी कहते रहे, वो तो पहले भी बहुत कुछ कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, उनका वो ठीक है। पर जो भाजपा पार्टी हाईकमान जो है वो फैसला मुकर्रर किया जाता है, ऐसा आपको कहीं सुनने में आ रहा है?